तो कुछ दिन पहले ना हम एक वीडियो शूट किए थे अपना इयररिंग कलेक्शन का, और वो वीडियो का इंट्रो क्या हुआ ना, हम शूट करना भूल गए। और हम एक दिन इंट्रो, मतलब आज से 15-20 दिन पहले चाय पीते हुए हम एक अपना इंट्रो बनाए थे मस्त, वो क्या हुआ अभी लैपटॉप पे डाल के जब एडिट करा तो वो करप्ट हो गया। अब हम क्या पता इस पनौती वीडियो है, अब पता नहीं इस वीडियो में व्यूज कैसा जाने वाला है हमको नहीं पता, लेकिन अब इस वीडियो का इंट्रो में ये तीसरी बार शूट कर रहे हैं। तो यार मतलब मेरे इस स्ट्रगल के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और थोड़ा प्यार दे देना भर भर के। और आज भर तो आप लोग मेरा इयरिंग कलेक्शन देखो। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट मूव इनटू द वीडियो, कैमरा सेट, और अभी चलो स्टार्ट करते हैं अपना झुमका वगैरह दिखाना आप लोगों को। ए मार देंगे, मेरा बैकग्राउंड को खराब करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 kg झुमका है, जिसमें एक डब्बा यहाँ है और मेरे से एक साथ मैनेज होगा नहीं, इसलिए हम सत्यम को पता है भी कैमरा देते, लड़का मेरा वीडियो खराब करते हैं। और दूसरा केजी भी दिखाते हैं, टेबल को आप लोग केजी समझना, और इसमें पूरा भरा हुआ है, और इसमें थोड़ा सा, अरे राम दिल तो गया टेबल, इसमें थोड़ा पुराना है जिसको कि हम बहुत पहले यूज़ करते थे। तो खैर अभी हम लोग इसको इससे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला झुमका आता है और हमको लगता है ये अभी तक का मेरा सेकंड या थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा झुमका है। इसको एकदम नया नया लिया है, अभी तक यूज़ किए नहीं है। और उसके बाद आता है ये छोटा सा झुमका जिसको कि हम पटना से खरीद के लाए थे, अभी जो कुछ दिन पहले गए थे। और उसके बाद फिर ये झुमका जो कि मेरा गिफ्ट है, अभी हम लिए थे सोमवारी से एक दिन पहले, यानी कि संडे को। और एक झुमका कुछ ऐसा है जिसका कि ये झुमका को हम तोड़ दिए, और ये छोटू सा जो टॉप्स है ना, ये बस टॉप्स हो गए, उसको हम यूज़ करते हैं। एकदम प्यारा सा मोर बना हुआ है, उनको हम आप लोगों को पास दिखाते हैं। तो इसमें एक प्यारा सा मोर बना हुआ है, और इसके साथ जब था ना तो उसको हम कभी यूज़ ही नहीं करते थे, इसको तोड़ दिए तो हम इसको यूज़ करने लगे। बाकी इसके बारे में बताते हैं, ये हमको मम्मी दी थी मेरे लिए, नानी के घर से लेके आई थी। और ये वाला झुमका है जो कि हम शायद मीशो से लिए थे, और हमको लगता है ना मीशो से लेने के बाद हम इतना पछताते हैं। आज हम लेंगे और पता चलेगा कल हमको 10 लोग को दिखेगा, इसलिए हम मीशो से शॉपिंग ही करना छोड़ दिए। और करेंगे फिर, कभी कुछ अच्छा मिलेगा तो कर लेंगे, ऐसा कोई ये नहीं है। और ये है मेरा ब्लैक झुमका जो कि मेरा पहला काला कलर का कोई झुमका है, हाँ शायद, मतलब झुमका टाइप में जैसे होता है ना, जैसे इसमें है तो वो हल्का हल्का काला का ब्लैक कलर का टच है, बट पूरा ही ब्लैक है। और इसके बाद आता है ये बाली जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चला था, और इसको कितना कम पहने को पता भी नहीं। और दिखाते हैं आप लोगों को, तो ये झुमका है जिसको कि हम बनाए हैं एक टाइम पे, हमको बहुत क्राफ्ट का भूत चढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, जिसको हम शिल्पकार से अरे यार इसको रुको हम एगो दिखाते हैं, इसको हम बनाए थे शिल्पकार से, और ये इसलिए घूम रहा है बस, इसके घूमने के चक्कर में इसको हम कभी पहने नहीं, क्योंकि कान में लगाते हैं ऐसे भी करते हैं तो अजीब सा घूम जाता है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसको हम बनाए थे, मेड बाय मानसी गुप्ता। और इसके बाद दिखाते हैं, ये एक बड़ा सा झुमका है मेरे पास रेड कलर का, जो कि पता है हम जब इयरिंग लेने के लिए कोलकाता गए थे ना, मतलब कोलकाता गए थे और वहाँ जब इयरिंग का शॉपिंग कर रहे थे, तो इतना सारा होता है ना, मतलब वो जो टूटा फूटा, जिसका ये निकला हुआ है, किसी का ये निकला हुआ है, किसी का ये टूटा हुआ है, किसी का तल्ली नहीं है, तो भैया ना बहुत ज़्यादा मतलब निकाल कर रखे, तो उनसे पूछे गए कि उसका क्या कीजिएगा, तो वो बोले हम तो फेंक देंगे, तो हम बोले कि हम उससे कुछ कुछ चुन के ले लें, अब बस आप हमको दे दें, हम कुछ कुछ क्राफ्ट करेंगे, तो बोले ठीक है चुन लो। और हम चुने उससे, हम बहुत सारा चीज़ लेके, मतलब बहुत सारा झुमका लेके आए थे, उसी में एक हमको ये मिला था, मतलब टूटा हुआ था, इसको मम्मी अच्छे से जोड़ दी और ये यूज़फुल हो गया है। और एक ये वाला था जिसका कलर थोड़ा सा फेड है, लेकिन ये वाला झुमका ना मेरा फेवरेट में से आता है। बाकी उसके बाद है, मतलब सस्ते से रस्ते का माल सस्ते में, वैसा वाला वो मतलब ठीक है समझ लो। और बाकी उसके बाद मेरे पास ये गोल्डन कलर का लंबा सा, इसको झुमका ही कहेंगे, झुमका तो नहीं कह सकते, मतलब इयरिंग है ऐसे गोल्डन कलर का, इसमें नग लगा हुआ है, तो इसको हम पहने हुए हैं गोल्डन कलर के साड़ी पे। और एक ये झुमका है जिसको कि अभी तक हम नहीं पहने, नीचे में पिंजड़ा टाइप का कुछ बना हुआ है, यही देख के हमको बहुत प्यारा लगा था, जिसको हम लिए थे, अभी तक हम पहने नहीं लेकिन जल्द ही पहनेंगे। और ये है थोड़ा पुराना है, लेकिन यस एक टाइम पर ऐसा टाइप का झुमका बहुत चला था, अभी तो देखने को भी नहीं मिलता। बाकी एक लिए थे ये भी कोलकाता से लिए थे, यही सब हम खरीदने के लिए गए थे, तो हमको ये सब का टूटा हुआ पार्ट मिला था, तो हम उठा के ले आए थे, और यहाँ मम्मी बना दी सबका। और इसके बाद छोटा, अब थोड़ा फास्ट दिखाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा झुमका जिसको कि हम वही संडे को लाए हैं, और ये वाला भी, ये कहाँ गया, ये वाला भी कुछ दिन पहले लिए थे, जिसका दाम था वो 25 rupees, और ये भी पता है 25 वाले लॉट से लिए हैं, लेकिन हम मतलब वही 2 month के अंतराल में लिए, तो इनको 25 में मिला, लेकिन ये हमको 40 में मिला, भाई अट्ठा भी कोई ना, लड़कियों के लिए झुमका का प्यार समझ सकते हो। और एक छोटू सा क्यूट सा झुमका दिखाते हैं आप लोगों को, तो हियर इज माई क्यूट सा छोटू सा झुमका, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा और क्यूट सा है, इसका मोती देख रहे हो नीचे गोल्डन कलर का, बहुत प्यारा लगता है मेरे आँख पे
एक झुमका उसी में से ये भी था जिसका जो कि हम संडे को लाए थे, ठीक है। नहीं सॉरी, ये स्कॉन वाला झुमका एक और है जो कि हम लेके आए थे मल्टी कलर में, कोई भी ड्रेस के कलर पे चलेगा। और ये था एक ऑक्सी वाला जो कि हमको बड़ो पसंद है, जो कि हमको बड़ा प्यारा लगता है। ये भी मेरा फेवरेट में से एक है। और आप लोगों को हम दिखाते हैं ये दो, एक छोटू सा झुमका और ये टॉप्स। इसको हम लाए थे अभी नवरात्रि वाला जो मेला था ना, मेला से। और दिखाते हैं आप लोगों को, ये है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है हमको, लेकिन ये मेरे कान पे नहीं रहता, कभी रहता नहीं है, कभी भी पहनेंगे ना तो पकड़ से खुल के गिर जाएगा, आज तक नहीं रहा है। जब भी पहने वो चार बार अगर नहीं गिरा हो ऐसा हो नहीं सका। बाकी ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट किया था। और उसके बाद हम दिखाते हैं आप लोगों को ये झुमका जो हम पता नहीं क्यों लिए थे, और हम इसको मतलब पहले पहनते थे, उसके बाद तो हमको नहीं लगता इसको हम कभी पहने। अभी हम देख रहे हैं कि मेरे पास भी इतना सारा झुमका एंड ऑल है। हम आप लोगों को अपना सबसे पहला वाला इयररिंग दिखाते हैं जो हम फर्स्ट टाइम जाके मतलब खरीदे थे 25 रुपीज में, मेला से ही लिए थे। और मेरे लाइफ का ये पहला झुमका है या इयररिंग है, जो भी कह लो, झुमका इयररिंग मतलब समझ जाना आप लोग, पहला इयररिंग है जिसको कि हम मतलब खरीदे थे। और हमको इसी के बाद से फिर शौक चढ़ा था कि हम इयररिंग लेते हैं बहुत सारा। उसका तो बहुत कलेक्ट किए, टाइम पे पहनते भी थे लेकिन अब तो एकदम ही पहनना छोड़ दिए। और एक ये भी है जिसको कि हम कभी नहीं पहने हैं, ये भी हमको गिफ्ट में मिला था। और बाकी एक और दिखाते हैं, ये वाला भी आप लोगों में से बहुत लोगों के पास होगा क्योंकि ये भी बहुत कॉमन है और ये मेरी मम्मी को बड़ा पसंद है, मम्मी भी बहुत बार पहनी है। और मीशो से मंगाए थे हम दो इयररिंग, एक ये गणेश जी वाला और एक में हाथी वगैरह बना हुआ है, ये भी बड़ा प्यारा लगता है। तो ये है दो, और एक है जो मेरा फ्रेंड हमको गिफ्ट दिया था किस चीज़ में, किसी चीज़ में तो मिला था शायद दिवाली में, हाँ दिवाली वाला। अगर मेरा 2 साल पुराना ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें दिखा होगा। तो ये गिफ्ट है। और उसके बाद है मेरे पास कुछ इस तरह का इयररिंग जो कि हम लेके आए थे कोलकाता से, सेम दो एक अपने लिए और एक रिशु के लिए, तो एक रिशु को दे दिए। और वो जो हम कोलकाता वाला टूटा हुआ इयररिंग का बात बोले ना, उसी का ये एक झुमका है जो कि ऐसे ही लेके आए थे। और एक मेरे फ्रेंड की तरफ से ये मेरा गिफ्ट था जिसमें कि एक ये था जिसको कि हम बस जिस दिन मिला था उस दिन पहन के बड़ा स्टाइल मारे थे, और उसके बाद दोबारा मल्टी कलर का कभी साड़ी नहीं पहने, तो मौका नहीं मिला। और ये है मेरा फेवरेट वाला झुमका जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि हम जब भी पहनते हैं मम्मी मेरे से खुलवा देती है, हमको ये वाला बड़ा प्यारा लगता है, देखते हैं एकदम मतलब छोटे छोटे बाल में कितना सुंदर लग रहा है। हम इयररिंग का अभी हॉल दे रहे हैं, अपना इयररिंग कलेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन देखो मेरे कान में एक भी इयररिंग अभी नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ सब दिखा दिए ना, एक ये बचा है, एक ये झुमका है जिसको भी हम काफ़ी टाइम पहने हैं, वो मांटी का उसका काम नहीं है। और हम दिखाते हैं एक ये वाला है जो कि रिशु मेरे लिए लेके आई थी, इसमें से सारा हो गया। अब हम दूसरे केजी का झुमका दिखाते हैं, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम उनको शॉर्ट करना पड़ेगा। इसको भारी हो गया सच में, एक टोले का इयररिंग है, बस सोना का कब होगा इतना सारा पता नहीं। हाँ, सबसे पहले इसमें सबसे अच्छा वाला देखो जो कि हम दीदी के शादी में लिए थे, ये सेट वाला है, इसके साथ एक चिक था और ये था, तो चिक है अभी रिशु के पास और ये है अभी मेरे पास, क्या ही कर सकते हैं। और एक ये वाला इयररिंग जो कि कोलकाता से दादी लेके आई थी और इसको भी हम बहुत कम ही पहने। और एक छोटी इसमें जल्दी जल्दी दिखाते हैं क्योंकि बहुत पुराना सब इयररिंग है। एक ये वाला है रेड कलर का, उस टाइम ना मतलब शायद वही 11th के टाइम पे हमको बड़ा कलरफुल इयररिंग पहनने का शौक था, तो मेरे पास सारा कलर का था। एक ये कलर का दिख रहा है, एक इसमें ग्रीन कलर टाइप का, ग्रीन मतलब ऐसा ग्रीन में था। और याद है क्लब फैक्ट्री एक टाइम पे बहुत चला था, और फिर तो वो बैन ही हो गया, जिस टाइम टिकटॉक बैन हुआ ना उस टाइम क्लब फैक्ट्री भी चला गया, तो उसी से मंगाए थे ये वाला इयररिंग जो कि ड्रीम कैचर की तरह लगता है। इसको भी हम 1 से 2 बार पहने फिर वैसे का वैसे पड़ा है। और ये भी एक क्लब फैक्ट्री का इयररिंग है जो कि हम 2 बार में मंगाए थे और दोनों अलग अलग कलर में मिला है, इसलिए आज तक पहन ही नहीं पाए। या तो एक कान में पहनेंगे तो लोग पागल बोलेगा, दोनों कान में पहनेंगे तो दोनों का कलर अलग है, तो कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद ये मम्मी के गले का सेट में से निकाले थे और बस इसको ऐसे पड़ा हुआ है, कभी यूज़ नहीं हुआ। और हाँ, ये पंख वाला इयररिंग देख लो, एक ऐसे ही ले लिए थे पता नहीं क्यों। और ये स्टार वाला इयररिंग जिसको हम पहन के बहुत बार मतलब बहुत लोगों से सुने क्या पहन लियो चांद तारा, क्योंकि दिखता भी नहीं अब तो, कलर बहुत ज़्यादा डिसकलर हो गया, ये भी बहुत पुराना है। इसको भी हम मंगाए थे इंस्टा पे, हमको ना कोई पेज मिला था जहाँ पे इयररिंग का भंडार था, कुछ क्या नाम था हमको उतना याद नहीं है, लेकिन उसी से मंगाए थे। और ये सब इयररिंग भी उस टाइम का हमारा फेवरेट हुआ करता था, बड़ा प्यारा। एक इसी में रेड कलर का था मेरे पास, उसका ना मोती थोड़ा सा वो वेलवेट वाला था, लेकिन पहनेगा, गर्लफ्रेंड को देगा, है गर्लफ्रेंड उसको देगा, दिखा दिए। और ये दिखाएं, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ किए, आप लोग देखे होंगे। और एक ये वाला मंगाए थे कौड़ी सेल वाला, एक टाइम पे कौड़ी भी बहुत चला था, मंगाने का तो मंगा लिए, लेकिन अब पहनते तो पता नहीं क्यों हमको बड़ा अजीब लगता है।
और एक इयरिंग और है जो कुछ इस तरह का डिजाइन में है, पता नहीं लोग अगर इसको पहनेगा तो रहेगा, मेरे कान में तो आज तक रहा ही नहीं इसलिए हम कभी नहीं पहनते इसको। अगर हम ऐसे पहनेंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, अगर मान लो पीछे से पहनेंगे तो पीछे से भी ये अजीब से घूम जाएगा, समझ में ही नहीं आया कि इसको पहनना कैसे, तो इसलिए ऐसे कैसे है। और एक सेम इसी में एक गोल है और एक ट्रायंगल है, इसमें भी सारा सेप काम ले लिए हैं, और एक झुमका है जो कि मेरा समझ लो एक तरह से पहले का ये मिरर वाले में पहला झुमका है, और इधर सारा हो गया। एक तो इस टाइप का झुमका था जिसके नीचे में हम थोड़ा सा अपना DIY किए हैं, जिसको कि हम एक दो बार पहने फिर पहने नहीं। और एक ये एस लिखा हुआ झुमका, झुमका इयरिंग, इसको भी हम ऐसे ही रोड से ही शायद लिए थे, मतलब ठेला जो लगता है उससे लिए थे। और एक दिखा दें, ये हम ऑनलाइन मंगाए थे जिसको हम आज तक नहीं पहने, और ये कुछ इस तरह का लगेगा, तो सोच रहे कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे तो उसको पहन लेंगे। तो चलिए इसी के साथ अभी फिलहाल के लिए अपना इयरिंग हॉल हम ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी सारा हो गया। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अरे ये तो हम आप लोगों को दिखाई नहीं, आप लोगों को कुछ इससे ज़्यादा जरूर जुड़ी हुई होगी, आप लोगों के पास भी इस तरह का इयरिंग ज़रूर हुआ करता होगा। एक टाइम में बड़ा पॉम पॉम चला था, पॉम पॉम का इयरिंग, पॉम पॉम दुपट्टा में, पॉम पॉम रबड़ बैंड में, तो काफ़ी सारा था। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नहीं हो तो, और अगर इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो भी कर लो, यहाँ पे मेरा नाम है। और इसी के साथ मिलते हैं कल सुबह 8:30 एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना। अरे हमको सारा चीज़ समेटने के बाद सत्य ने एक चीज़ याद दिला दिया, ये वाला इयरिंग ना, इससे ना हम कभी नहीं पहन पाए, लेकिन ना इसका जो बॉल है निकलता है, ठीक है, और सत्यम का नज़र ना इसी बॉल पे है। क्या बोलता है आपका जो इयरिंग खत्म होगा ना तो इसका बॉल दे दीजिएगा, हमको क्या बोल रहा है अभी आप बोले कि सारे इयरिंग के साथ साथ आप कोई स्टोरी बताएगा, कहन बताए पहले बताइए जाके सबको। तो इसके साथ यही स्टोरी है कि इसका बॉल के पीछे इस लड़के का नजर है, मारेंगे बदमाशी में। चले मिलते हैं आप कल।